हेनरी और एना दोनों प्रेमी हैं। अन्ना का एडम के साथ अफेयर था, लेकिन हेनरी को इसके बारे में पता नहीं था। हेनरी अपनी बाइक से उनके कॉमेडी शो में गया, एना भी उनके शो में गई। वह अन्ना के व्यवहार के बारे में सोच रहा था, लेकिन अन्ना को हेनरी से प्यार है बहुत हो गया। कॉमेडी शो शुरू हो गया, वह लोगों को हंसाने में शामिल था। उसकी कॉमेडी के कारण लोग हंसते और ताली बजाते थे। अन्ना ने भी अपना शो शुरू किया। हेनरी शो छोड़कर अन्ना से मिलने गया। उस समय अन्ना का शो समाप्त हो गया। फिर उसने बाइक रोकी और अन्ना के पास गया। उन्होंने बहुत प्यार से चूमा और एक यात्रा पर जाने का फैसला किया। वह उसे पकड़कर धूम्रपान करने लगा और वह उसके साथ रोमांस करने की योजना बना रहा था। फिर वह उसके साथ चला गया। उसके बाद वे लंबी सवारी के लिए वह उसे पीछे से गले लगा रही थी और उनके घर पहुंची। उनमें से केवल दो उस घर में अकेले रहते हैं। फिर उसने उसे गले लगाया और घर में प्रवेश किया। उनके घर में निजी स्विमिंग पूल है। वे कमरे में रोमांस करना शुरू कर देते हैं। दोनों ने अपनी ड्रेस उतार दी और वह उसे गले लगाकर उठा रहा था, बिस्तर के पास ले जा रहा था और उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वे रोमांटिक मूड में थे एक दूसरे को देखते हुए और वह उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। सेक्स के बाद वह थक गई थी और बिस्तर पर एक सेब खा रही थी और फिर वह कमरे में घुस गया और अपनी शरारत से अन्ना को छेड़ने लगा। अन्ना थोड़ा डरावना था। फिर उसने अपनी बेडशीट लेने की कोशिश की, लेकिन हेनरी को हर रोज एना को परेशान करना अच्छा लगता है और वह उसके दोनों पैरों को चाटने की कोशिश करता है। फिर एना गर्भवती हो गई। उस रात वह अस्पताल में भर्ती हो गई। हेनरी डिलीवरी को लेकर इतना डरा हुआ था और कहा डॉक्टर के पास। एना जोर जोर से और खुशी से चिल्ला रही थी, उसे बेटी हुई। फिर उन्होंने अन्ना को बच्चा दिया। वह बहुत खुश थी और फिर हेनरी भी अपने बच्चे की देखभाल कर रहा था और आनंद ले रहा था। एक दिन वह अपनी कार में यात्रा कर रही थी। अचानक वह पता चला कि हेनरी ने बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया है और लड़कियां हेनरी के बारे में शिकायत कर रही थी। फिर वह हेनरी के व्यवहार के बारे में चौंक गई। फिर लड़कियों ने हेनरी के खिलाफ बहस की, लेकिन अन्ना को वह धोखा नहीं बचा पाया और वह रो पड़ी। एक दिन वह बिकनी पहन कर पूल में तैर रही थी और हेनरी के बिना अपने जीवन के बारे में सोच रही थी। फिर तैर कर रो रही थी। फिर सिगरेट ढूंढ रही थी और मिल गई। फिर बाथरूम में धूम्रपान करने लगी। वह पूरी तरह से तनाव में थी। उसके बाद वह चली गई बेडरूम में और बिस्तर पर सोती है और अपने बच्चे के बारे में सोचती है। फिर उसका बच्चा खिलौनों से खेलकर दरवाजे के पास आ गया। फिर उसने बच्चे को देखा और उठ खड़ा हुआ। फिर वह बिना किसी तनाव के अपने बच्चे के साथ खेलने लगी। कुछ समय बाद हेनरी अपनी बाइक से घर आया और कहा कि उसका शो रद्द हो गया है। फिर वे एक नौका यात्रा के लिए गए। वह उसके साथ जबरदस्ती नाच रहा था और उसे धक्का दे रहा था। मौसम बहुत खराब था, लेकिन वह रोमांस करना चाहता है उसके साथ जबरदस्ती और उसने उसे नौका से बाहर फेंक दिया। वह अपनी गलती से चौंक गया, लेकिन अन्ना डूब रहा था और वह मर चुकी थी। फिर वह अपने बच्चे को एक छोटी नाव से जमीन पर ले आया, लेकिन बच्चा अकेला हो गया। फिर उसने उपहार दिया बच्चे को कुछ। जब यह चालू होता है तो बच्चा अपनी माँ की तरह गाना शुरू कर देता है। हेनरी उस समय हैरान था, लेकिन एडम को भी अन्ना की मौत की चिंता थी, लेकिन वह शांत था और हेनरी के घर उससे मिलने गया। फिर एडम ने भी देखा कि बच्चा गा रहा था। उन्होंने अपने बच्चे का एक शो देने का फैसला किया। शो शुरू हो गया है। हेनरी ने अपने बच्चे को लोगों से मिलवाया और पर्दा खोला गया। उसके बाद बच्चे को उसकी माँ की तरह गाना शुरू किया गया, लेकिन हेनरी को इस बात की चिंता थी तब बच्चा अपनी माँ की तरह पूरी दुनिया में इतना प्रसिद्ध हो जाता है और हर जगह अपना प्रदर्शन शुरू कर देता है। उन्होंने पूरी दुनिया में सिंगिंग शो देने का फैसला किया और वर्ल्ड ट्रिप पर गए।
फिर उन्होंने दुनिया के हर शो में गाना शुरू किया, लेकिन बच्चा एडम से जुड़ा हुआ था, लेकिन हेनरी को इसके बारे में पता नहीं था। एडम उसकी देखभाल कर रहा था। एक दिन हेनरी को एडम के संबंध के बारे में पता चला, लेकिन एडम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हेनरी उसे पूल के पास ले आया और शुरू हो गया उसे बुरी तरह पीटा, फिर पूल में धकेल दिया। फिर हेनरी ने पूल में एडम को मार डाला, फिर उसने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पूल से बाहर खींच लिया। फिर हेनरी ने उसे उठा लिया और उसे दफनाने के लिए ले गया। फिर हेनरी ने अपने बच्चे का आखिरी शो देने का फैसला किया। वह सबसे बड़ा शो था। वह था अभी भी उस स्थिति के बारे में चिंतित है। शो शुरू हो गया है, लेकिन बच्चा गा नहीं सकता क्योंकि उसने एडम को मार डाला। आखिरकार वह रो रहा था। फिर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर पुलिस उसे अदालत ले गई। फिर हेनरी ने उसकी बात मान ली, गलती की और अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। फिर अदालत ने उसे जेल में डालने का फैसला किया। उसके बाद उसका बच्चा जेल में हेनरी को देखने आया। फिर बच्चे ने कहा कि वह उसे उसकी गलती के लिए माफ नहीं करती है। फिर उसने उससे माफी मांगी बच्चा, लेकिन बच्चा उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर उसने रोते हुए उसे गले से लगा लिया। उसने उसकी तरफ देखा। फिर उसने कहा कि वह उसके अहंकार के कारण उसे फिर से देखने नहीं आएगी। आखिरकार पुलिस उसे वापस लाने आई। बच्चा तो बच्चा अकेला हो जाता है।